सॉरी गाइस, वो लास्ट वीडियो का कंटिन्यू है, वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा हाथ लग गया था टच पे, तो इस वजह से वो वीडियो रुक गई थी। खैर, वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो कंटिन्यू देखनी है। तो मेरी पहली वीडियो जो रुक गई है उसी का कंटिन्यू पार्ट ये है, आप अलग ना समझ के चले इसे, ठीक है। अब ये शेड्यूल की बात कर ली, ऐसे सेकंड शेड्यूल में हाईएस्ट प्रोटेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड को है, ठीक है ना। फिर थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, आप इनमें रेगुलेशन है, यानी कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, उन एनिमल्स को आप कंप्लीटली प्रोहिबिटेशन नहीं है, कुछ इनमें प्रोविज़न है, कुछ बंदिशें हैं जिसके तहत आपको काम करना होता है। आप उसमें अगर उन रूल्स को, उन बंदिशों को तोड़ते हो तो उसमें 1,00,000 तक की पेनल्टी हो सकती है और आपको सज़ा भी हो सकती है 1 साल तक की। तो उसमें थर्ड और फोर्थ में ये है। फिफ्थ की बात करता हूँ, फिफ्थ में वो एनिमल्स आते हैं जिन्हें आप हर्ट कर सकते हो, हर्ट का मतलब मार सकते हो, या चूहा, चूहा मार दोगे कोई आपको सज़ा नहीं देगा, कुत्ता आप मार दोगे उन्हें कोई सज़ा नहीं देगा। अब रिसेंटली नील गाय आपने सुना होगा, नील गाय अभी शेड्यूल फोर से निकाल के फिफ्थ में डाली गई है, क्यों? क्योंकि नील गाय का आप हर्ट कर सकते हो, आप उसे मार सकते हो, किलिंग कर सकते हो। पहले क्या होता था बच्चों, जो किसान होते हैं किसानों के लिए बहुत नुकसान करती है नील गाय जो है फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए क्या होता था, उसे बड़ी मांग चल रही थी कि अगर किसान उसे मार देते थे तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी, रेंजर उन पर केस वेस दर्ज कर देते थे, तो उनकी बड़ी मांग चल रही थी कि इन्हें इस तरीके से प्रोविजन से, प्रोटेक्शन से बाहर निकाला जाए। तो शेड्यूल फिफ्थ में डाल दिया, शेड्यूल फिफ्थ में डालने का मतलब क्या है, अब नील गाय को आप हर्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी एक शर्त है, आप बेमतलब उसका शिकार नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। अगर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो विदाउट परमिशन आप उसे हर्ट कर सकते हो, मार सकते हो, बात समझ में। ऐसे एनिमल्स को वर्मिन बोलते हैं, VERMIN, वर्मिन एनिमल्स में रखा गया। ऐसे ही आपने जलीकट्टू वाला केस सुना होगा बच्चों, जलीकट्टू जो कर्नाटक में केस है, जिसमें जो सांड है, सांड की रेस होती है, सांड को पकड़ता है, कुछ इस तरह का इवेंट है, तो उसमें क्या है, उसमें भी एक केस डला था कि सांड को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं, इसमें सांड भी कई बार डेथ भी हो जाती है, इसीलिए क्या हुआ, उस पर बैन लगा दिया गया था। फिर क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ये काम करवाया कि उस बुल को वर्मिन एनिमल यानी कि शेड्यूल 5 में डाल दिया गया। अगर उससे थोड़ा हर्ट वर्ट होता है, अब उसके लिए आप जेल नहीं जा सकते, जो जलीकट्टू फिर से शुरू हो गई थी। खैर, ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट में मैं बताता हूँ बच्चों, आपने सुना होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व, ये सब टर्म्स आपने सुनी होगी बच्चों। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताइए टाइगर रिजर्व, बताइए नेशनल पार्क किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं, तो यही अधिनियम होगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है बच्चों। और अगर बात आती है इनकी, कौन गठन करता है इनका, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कर सकती है, यानी कि नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभयारण्य है, और इसके अलावा टाइगर रिजर्व है, जो टाइगर रिजर्व ही बोलते हैं उन्हें, तो उन सब का गठन केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर सकती है, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। केंद्र सरकार करेगी तो राज्य सरकार से ज़मीन वमीन एक्वायर करेगी, उससे कहेगी आप ये काम करिए, हेल्प करिए, टेक्निकल सपोर्ट करिए, इस तरह की। और अगर राज्य सरकार करती है तो केंद्र सरकार की परमिशन लेके ही ये काम होता है, क्लियर है। अब इस अधिनियम को लागू कौन करता है, इस अधिनियम में कमेटी है, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बच्चों, इसमें IAS रैंक के सेक्रेटरी सचिव, और इसके अलावा जो आउटसाइडर है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, ये सोशल वर्कर है, या एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है, उन्हें रखा जाता है इसमें वाइल्ड लाइफ बायो एडवाइजरी बोर्ड पे, और वो इससे संबंधित एडवाइस देते हैं, बात समझ में। इसकी संरचना थी। एक टर्म और इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, बच्चे क्वेश्चन आ सकता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका गठन कब हुआ, गठन हुआ 2007 में, किस अधिनियम के तहत गठन हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका गठन हुआ। इसका कार्य क्या है, देखिए जो जीव जंतु होते हैं उनका भी क्राइम होता है, उनसे उनके साथ भी क्राइम होता है, जैसे हाथी की दांत काट दिया, आईब्रो बोलते हैं उसे, है ना, शेर की खाल बिकती है, ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स के पार्ट मीट के लिए या किसी फैंसी आइटम के लिए, किसी दवाई के लिए इल्लीगल बेची जाती है, तो उसे रोकने का काम इस ब्यूरो का है, है ना, बात समझ। जैसे क्राइम ब्रांच होती है दिल्ली में, या क्राइम ब्रांच पुलिस में होती है, उसका अपराध रोकना एक्सक्लूसिवली उसका काम क्या होता है, अपराध रोकना, ऐसी ही होती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, समझ में। तो ये पूरा एक अधिनियम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, क्लियर है बच्चों। हाँ जी, चलिए एक दूसरा एक्ट हम पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसे हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
ठीक है बच्चों, इसका देखते हैं ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए जो 86 बैकग्राउंड को छोड़िए, इसमें पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं आपके मतलब का, कुछ है भी नहीं, इतना समझ लीजिए भारत में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 1980s में, इसलिए पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, ठीक है ना, ये सारी चीज़ हो रही थी, इस वजह से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने एक्ट बनाया। किस तरह के पोल्यूशन से डील करता है ये, एयर वाटर और लैंड, एयर वाटर लैंड, जल थल और वायु प्रदूषण, तीनों प्रकार के प्रदूषण को रोकना उसका काम है, इसे कंट्रोल करना इसका काम है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। समझ में आया बच्चों? तो इस बीच इन तीनों तत्वों के में जो पोल्यूटेड चीज़ है उसे खत्म करना है इसका काम है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये कैसे बना था। देखिए 1984 में आपने सुना होगा भोपाल ट्रेजेडी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकल गई थी, लीक हो गई थी और हजारों लोग मरे हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में मरे हैं, इस तरह की स्थिति थी। तो एक डिबेट बनी कि हमारे पास कोई ऐसा कानून ही है जो ऐसी ट्रेजेडी को रोक सके या उससे डील कर सके। इसके आधार पर देखिए 1986 में ये राजीव गांधी का टाइम था, क्योंकि 84 में एसेसिनेशन हो गया था इंदिरा गांधी का, और उसके बाद राजीव गांधी गद्दी पर आए थे, उन्होंने ये एक्ट बनवाया था। तो इस एक्ट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया। अब कैसे करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल, देखो इसके तहत हैजार्डियस सब्सटेंस रखे जाते हैं। हैजार्डियस सब्सटेंस क्या होते हैं, हानिकारक तत्वों की एक सूची बनाई जाती है कि इन इन हानि ये हानिकारक तत्व है इस क्षेत्र में है, इन हानिकारक तत्वों को कम करना है, किस तरीके से कैसे होगा, उससे रिलेटेड कानून बनाते हैं, और कानून बनाने के बाद ये क्या होता है अधिकारी तंत्र को दे देते हैं और वे इसे लागू कर देते हैं। इसमें बहुत सारे विंग्स होते हैं, इसके बहुत सारे इसके हिस्से हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, एक दो पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो पोल्यूशन कंट्रोल करना इनका बेसिकली काम है। इसमें एक संस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बच्चों आपको भी मैं एक एक्ट और पढ़ाऊंगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ना, तब आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत स्थापित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गठित है। अब इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को निकाला, उसमें कुछ चेंज करा, जिसे जीन एडिटिंग बोलते हैं, चेंज करने के बाद उसे दूसरे जीन में डाल दिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया और कुछ चीज़ नहीं आई। जैसे बीटी ब्रिंजल, बड़ा सा बैंगन है, सफ़ेद सा बैंगन, लाल से बैंगन आ रहे हैं, शिमला मिर्च देखिए वो पीली हरी नीली लाल सब आने लगी, ठीक है। आपने अंगूर देखे होंगे मोटे मोटे उदाते बहुत, ये जेनेटिकल इंजीनियर है, यानी कि किसी की जीन निकाल के उसमें ट्रांसफ़र करो, कुछ नई चीज़ आई है। अब अगर ये हार्मफुल होगी तो फूड चेन में अगर इसने पोल्यूशन कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये एक तरह का पोल्यूशन है जो फूड चेन से रिलेटेड है, रोकने के लिए भी ये कमेटी है इसमें, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं ओजोन का, आपने नाम सुना होगा, ओजोन डिप्लीकेशन एक शब्द होता है। ओजोन जो परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और लगभग 25 से 35 किलोमीटर के बीच की उसकी मोटाई होती है, जो क्या करती है परावहनी किरणों को पृथ्वी तक, जो सूर्य से निकलने वाली परावहनी किरणें हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है और सूर्य की या सनलाइट को प्योरीफाई करके पृथ्वी तक भेजती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है और हानिकारक तत्व उसके हट जाते हैं। इस ओजोन में छेद होने लगा था जिसे ओजोन होल बोलते थे, इसकी डिप्लीकेशन इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने भी प्रयास करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वियना कॉन्फ्रेंस वगैरह इससे रिलेटेड हुई थी, उसके बाद भारत सरकार ने भी प्रयत्न किए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही भारत में ओजोन डिप्लीकेशन सब्सटेंस रूल लेकर आए, जिसमें CFC क्लोरो फ्लोरोकार्बन क्लोरो हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये आपने नाम सुने होंगे, इनकी रोकथाम के लिए ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही हुआ। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। देखिए गंगा बहुत प्रदूषित चल रही है, आपको पता है 1980 से इसमें बहुत डिबेट चल रही है, तो भारत सरकार ने इसके लिए एक अलग से पूरी अथॉरिटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जी है। कब बनी, 2016 में बनी, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये सारे इसके मंत्री इसके इसमें मेंबर होते हैं। इसके अलावा पांच छह राज्य जिनसे गंगा गुजरती है उसके CM जो है, चीफ मिनिस्टर, वो भी इसके सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट ये कई बार पूछा गया गंगा बेसिन अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और बताऊंगा, देखिए तटवर्तीय क्षेत्र पर आपने देखा होगा पानी में बहुत मैल सा आता रहता है और
बोतल पिन्नी खाने पीने का सामान सड़ जाता है, डेड बॉडीज़ वगैरह साइड में पड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, सी पोल्यूशन, कोस्टल पोल्यूशन इसे बोलते हैं। इस कोस्टल पोल्यूशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए हैं, वो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही बने हैं, 2011 में उसकी गाइडलाइन आई थी। ऐसे ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लगभग 12 महीने पानी भरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों को वेटलैंड बोलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बायोडाइवर्सिटी के लिए, उन्हें भी प्रिजर्व करने के लिए, वो धीरे धीरे भारत में कम हो रहे थे, उसे भी प्रिजर्व करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गाइडलाइन निकाली, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल 2010। ठीक है, तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा चलिए अगला मैं एक एक्ट और बताता हूँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एक्चुअली है क्या, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। देखिए अब मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा, पहला हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ में हमने क्या पढ़ा, एनिमल को प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स को, ठीक है वो पढ़ लिया। अब जो एनिमल और प्लांट्स है, एनिमल और प्लांट्स जो है उसमें भी बहुत सारी जातियाँ, हजारों करोड़ों सैकड़ों जातियाँ उनमें, अलग अलग तरह की उनकी ब्रीड है, उन ब्रीड पे कैसे काम होता है, उनकी ब्रीडिंग, उनके डीएनए को कैसे पढ़ा जाएगा, उस ब्रीड में से हमने कुछ मान लिया, हम सांप का जहर निकाला, उससे हमने सांप को काटने वाली दवाई बनाई, तो सांप से निकला, लेकिन उसमें एक टेक्निकल चीज़ फंस गई, क्या, सांप का जहर निकालना, उसे प्रिजर्व करना और सांप को जिंदा रखना, तो क्या ही मेडिकल साइंस इसमें अंदर आ गई, जब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मेडिकल साइंस उसमें अंदर आ गई, वहीं पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू हो गया। ये आपको जिस्ट बता रहा हूँ इसका, अदरवाइज आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे आप। समझ में क्लियर है? तो देखिए जब हम बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारा रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज पर डिपेंड है ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही रिसोर्सेज पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे पेड़ पौधे हैं, हम उनसे खाना वाना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सारी चीज़ें हम एनिमल्स को भी खाते हैं, अगर हम ओमनिवोरस है या हम जो है मांसाहारी है तो खाते हैं उन्हें। अब उन्हें खा तो लिए, स्वाइन फ्लू फैल गया, तो क्या पता कोरोना भी आने लगा उसमें, तो क्या करोगे? ऐसी चीज़ों में ये एक्ट काम करता है। तो बेसिकली इट्स रेगुलेट द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक रिसोर्सेज की जो है उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, रेगुलेट करता है। कैसे? देखिए अगर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी का नाम शुरू होगा, बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्ट इससे रिलेटेड है। जैसे कि आपने थ्री पेरेंट बेबी सुना होगा, थ्री पेरेंट बेबी का मतलब होता है तीन लोग हैं, एक महिला है, दो पुरुष है, जैसे भी है, तो एक पुरुष जो है उसके स्पर्म में पूरी तरीके से उसके स्पर्म जो है डेवलप नहीं है, तो उसके स्पर्म में डेवलपमेंट करने के लिए किसी तीसरे आदमी को पकड़ते हैं, उसके स्पर्म का डीएनए निकाल के उस आदमी के स्पर्म के डीएनए में डाल देते हैं, वो उसके स्पर्म पावरफुल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसका स्पर्म एक वुमेन के यूट्रस में जो है वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, जीन, ये सिस्टम कहाँ से हुआ, ये बायोटेक्नोलॉजी से हुआ। ये चीज़ एनिमल्स में जब हो रही है, हम उनसे रिलेटेड जब बात कर रहे हैं, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत में ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब मैं इसमें बता देता हूँ ये कब आया, कैसे आया, 2002 में आया, क्यों आया। देखिए एक 1992 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी। देखिए आपने सुना होगा रियो कॉन्फ्रेंस अर्थ समिट 1992 में, ठीक है, उस दौरान क्या हुआ था, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, वो टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हो गया था, इस टेक्नोलॉजी में पर्यावरण को कैसे बचाया जाए ये एक समस्या चल रही थी, तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वर्ल्ड समिट हुआ था रियो डी जनेरो में, ब्राज़ील में, ठीक है, अर्थ समिट भी से बोलते हैं। अब इस समिट में हुआ क्या बच्चों, इस समिट में हुआ सारे देश आए, उनसे कहा आपको अलग अलग प्रयास करने होंगे, किस किस तरीके से कैसे एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है ये देखना होगा। तो दो चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट आई थी, एक तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए, दूसरा बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए,
उसी से ही ये कंसेप्ट निकला। उस कन्वेक्शन को कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें दो तीन उद्देश्य है इसके, क्या डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है और एफिशिएंटली यूज़ करना है। जब यूज़ करोगे तो उसमें से कुछ रिसोर्सेज निकलेंगे, एक तरह से कुछ धन निकलेगा, मटेरियल निकलेगा। वो मटेरियल कोई एक देश या एक व्यक्ति नहीं खाएगा, सबको इक्विटेबल शेयरिंग देनी होगी, ये इसका उद्देश्य है। समझ में, ये इम्पोर्टेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है ना, रेशनल डिवीजन। तो ये कन्वेक्शन हो गया। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इस कन्वेक्शन के तहत एक संधि हुई जिसे कहते हैं कार्टाजिना प्रोटोकॉल। कार्टाजिना प्रोटोकॉल में जो है रूल एंड रेगुलेशन बने कि अगर हम जेनेटिकली किसी में मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसे कैसे रेगुलेट होंगे, वो कानून इसमें बने। जेनेटिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड उनको कैसे सेफली हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करें, बायोसेफ्टी बोलते हैं उसे, बायोसेफ्टी यानी कि हम बायोलॉजी का यूज़ करके, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑर्गेनिज्म में जो चेंज कर रहे हैं वो सेफली कैसे हो। कार्टाजिना प्रोटेक्शन, कार्टाजिना प्रोटोकॉल उससे संबंधित है, आपको याद रखना होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको प्रोटोकॉल्स कन्वेक्शन एक लिस्ट सी बता दूंगा, वीडियोज़ की बना दूंगा। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेशनल इसकी एक हायरार्की है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है। कैसे कैसे, केंद्र स्तर पे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। ऐसी स्टेट में स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी होती है, और जो लोकल लेवल है उस पर होता है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें डीएम वगैरह ये सब बैठते हैं, स्टेट जो लोकल आदमी होते हैं, लोकल पंचायत के आदमी भी इसमें बैठते हैं। उनका काम है लोकल क्षेत्र पे प्रोटेक्शन करना, इन सब चीज़ों को देखना, डॉक्टर वगैरह और बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसोर्स सेंटर वगैरह रिसर्च सेंटर होते हैं उसके सदस्य भी यहाँ पे बैठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने मेरठ में आप ये देख सकते हो, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मोदीपुरम में, अब वहाँ वो सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी हुई है, क्लियर है। तो इसके बाद स्टेट पर आता है, स्टेट के बाद यूनियन यानी नेशनल लेवल पर आता है बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। चेन्नई में इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है बच्चों। अब पैसा कहाँ से आया इसे रिजर्व करने के लिए, तो नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड बना हुआ है जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है, कोई भी व्यक्ति उसमें डोनेट कर सकता है। ऐसे ही स्टेट बायोडायवर्सिटी फंड बना हुआ है, उसमें भी राज्य सरकार पैसा देती है, कुछ केंद्र सरकार भी देती है, और आम जनता भी उसमें डोनेट कर सकती है। इस तरीके से इसका बच्चों ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट काम करता है। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपसे अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए इनमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके पूछा जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडिटिंग वगैरह होती है वो कौन रेगुलेट करेगा, तो करेगा बच्चों बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म घूम रहा है, कोई अब जानवर है, उस जानवर को किस अधिनियम के तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, किसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दैट्स इट, क्लियर है। ये तीनों आपको क्लियर होने चाहिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होगी। चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखते हैं, फॉरेस्ट राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉरेस्ट राइट पे बड़ा डिस्प्यूटेड राइट रहा है अंग्रेजों के टाइम से ही, कि जो जनजातीय लोग थे पहले तो लोग सब गाँव में रहते थे, तो क्या करते थे, जो सरकार एक्वायर करती थी उनकी ज़मीन, उनके उस पर से फॉरेस्ट वगैरह काटती थी, तो किसानों के बीच में, जनजातियों के बीच, खासतौर से जनजातीय लोग, वो ज़मीन से ज़्यादा पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, अपने सदस्य के रूप में मानते हैं। एक वैष्णवी जनजाति है, वो तो इनकी पूजा करती है, इनके साथ शादी वादी करने की भी प्रथा है उनमें। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी स्थिति में हमेशा एक लड़ाई रही है राज्य सरकारों या सरकारों के बीच में और इन जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच में। इस लड़ाई को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसे कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसका पूरा नाम मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इंग्लिश में ही एक्ट है। तो देखिए, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, क्लियर। इसका पूरा नाम ही आएगा, शॉर्ट में से बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। बच्चों ये बात समझ में आपको, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या है, देखिए आप तो गांव में रह रहे हैं, ये आप शहर में रह रहे हैं, आप आम जनता की तरह रह रहे हैं, आपके अगर यहाँ पेड़ कट भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट गया ठीक है, नहीं कटता तो अच्छी बात थी, चलो फल खा रहे थे, अच्छा मिल रही थी, ठीक है। अब अगर आप, आई एम सो सॉरी, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपके घर में कोई सदस्य है और उस सदस्य को कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो गई, तब आप पे क्या बीतेगी, समझ रहे हो।
ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के लोग जो होते हैं, एसटी जिन्हें बोलते हैं, या ड्वेलर्स जो होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स उन्हें बोलते हैं जो फॉरेस्ट में घुमक्कड़ जाती होती है इधर से उधर, पेड़ पे तोड़ के खा लिया, कुछ दिन यहाँ रुक गया, डेरा डाल के फिर आगे चल दिया, महासार भी खा लिया, साकार भी खा लिया, इस तरह के लकड़ी वकड़ी बीन ली, उससे अपना गुजारा कर लिया, जड़ी बूटी तोड़ ली, अपनी गुजारा कर लिया। आपने देखा वो शहर के किनारे तंबू लगा के बैठे रहते कुछ गरीब से लोग, और वो सांप वाप से बैठा लेते, जड़ी बूटियाँ वगैरह देते, वो ड्वेलर्स होते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नेचुरल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सदियों से ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, उनके ये पेड़ पौधे सदस्य हो जाते हैं, जीवन का स्रोत हो जाता है, संबंध हो जाते हैं उनके डायरेक्ट। वे ऐसी स्थिति में जैसे कि आप किसी परिवार के सदस्य के लिए जान दे सकते हो, वे भी इन पेड़ पौधों के लिए जान दे सकते हैं। आपको याद होगा चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड, बहुगुना, ये सब आपको याद होंगे, ठीक। सुंदर बहुगुना की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, वरना बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए जो लेके आती है वो अब तक इनके पेड़ पौधों को खा जाती, उखाड़ देती, वहाँ पे सड़क बना देती, इंडस्ट्री बना देती, मालिक हो जाती उसकी वो, ठीक है ना। इन गरीब लोगों का कौन होगा, इनका प्रशासन, जिला प्रशासन को वो खरीद लेते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा तंत्र है ना। आपको जब एक जापान की, कोरिया की कंपनी ने उड़ीसा में एक फैक्ट्री लगाने के लिए कहा था, तो उसमें भी बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, और आपने लैंड एक्विजिशन का मामला आपने देख ही लिया होगा। ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि किसान अपनी ज़मीन नहीं देता उसके लिए मर जाता है, उत्तराखंड आपने देखा होगा, नोएडा में बहुत सारा कांड हुआ था, बहुत सारे किसान मरे थे, ऐसे ही ये पेड़ पौधों को प्यार करते। तो इन पेड़ पौधों को, इन पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अधिनियम आया, फॉरेस्ट एक्ट। ये हमारे पे प्रभाव नहीं डाल रहा, ये उन पे प्रभाव डाल रहा। इसमें नोटिफिकेशन में होता है किस किस लोगों को कैसे कैसे, मैं बता देता हूँ। देखिए ये अधिकार कैसे होता है, किन लोगों को होता है ये अधिकार, बच्चों उन लोगों को होता है जिनकी तीन जनरेशन पेड़ पौधों या जंगल में रह रही है, या अपने जीविका के लिए उन जंगलों के संसाधनों पर आश्रित है, और उन जीव जंतु और जंगलों को संरक्षण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो पॉजिटिव इमेज है, पॉजिटिव वे काम करते हैं, क्लियर। तीन जनरेशन, एक जनरेशन का मतलब होता है 25 साल, यानी कि 75 साल तक वो वहाँ वासी है और एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट है। तो ऐसे लोगों को ये राइट जो है वो दिए जाते हैं, पहली चीज। तो अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है, पूरे जंगल पे दे दिया जाने, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को जैसे एक परिवार होता है, इस परिवार में 4 हेक्टेयर कि जमीन में जितने जंगल है उस पर एक आदमी का अधिकार स्थापित किया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट है, 4 हेक्टेयर जमीन पर जितने फॉरेस्ट है उस पर एक आदमी का अधिकार रखा गया है। जैसे हमारे यहाँ अभी लैंड सिंगलिंग है ना, मेरे ख्याल से 400 बीघे से ज़्यादा आप जमीन नहीं रख सकते, फिर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, इस तरह के हमारे यहाँ है, ठीक है। अब सरकार को अगर वो पेड़ हटाने हैं, कोई प्रोजेक्ट लगा रही है, ये कोई बीमारी वहाँ फैल गई तो, या ऐसे पेड़ पौधों को ज़रूरत पड़ गई है, उन्हें चाहिए, तो सरकार कैसे लेगी। बच्चों ऐसे नहीं लिया जाता कि सरकार जाएगी ने भगाएगी और उठा लेगी, नहीं। यहाँ पे ग्राम सभा होती है, हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ ग्राम सभा का कोई महत्व ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था की तरह काम करती है, ठीक है। और आपने पेशा एक्ट 1996 में जो आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ लेना, देख लेना, हम कभी मौका मिलेगा मैं जिक्र करूँगा। तो उन्हें ताकत होती है, जैसे विधानसभा होती है और संसद होती है, इतनी ही ताकत उन्हें होती है। कौन सा रिसोर्सेज कौन यूज़ करेगा, कितना यूज़ करेगा, उससे संबंधित जो विवाद होगा उसका निपटारा ग्राम सभा में होता है। तो ग्राम सभा छोटी संसद की तरह काम करती है, उसे जुडिशियल पावर भी है बच्चों, न्यायिक शक्ति भी है, उन्हें सजा देने का भी अधिकार है। ग्राम सभा की बैठक होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम अध्यक्ष बैठता है उसमें, और वो डिसाइड करते हैं, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कितना रिसोर्स हम यूज़ करेंगे, क्या उसमें लीगल है क्या इलीगल। लेकिन इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत, ऐसा नहीं मन कर रहा है कुछ भी बोल रहे, नहीं, जो इस अधिनियम के प्रोविज़न है वो ही उसमें देखेंगे, क्लियर है। कोई दिक्कत समस्या है तो आई होप नहीं होगी आपको, ठीक है बच्चों। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में मैंने बताया आपसे, ठीक है। चलिए अब साथ ही साथ एक फॉरेस्ट पॉलिसी भी ले लेते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसी देखिए, भारत में फॉरेस्ट पॉलिसी, पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है बच्चों वो अंग्रेजों के टाइम से ही आ गई, और 1899 या 1897 में पहली फॉरेस्ट पॉलिसी भारत में लागू हुई। लेकिन वो फॉरेस्ट पॉलिसी बड़ी बायस थी, और उनका फोकस जो था बेसिकली ब्रिटिश इंटरेस्ट का फुलफिल करना था। 1920s में भी फॉरेस्ट पॉलिसीज में चेंज हुआ, लेकिन
नेगेटिव रूप की थी, वो सारी नेगेटिवली इफेक्ट डालती थी इंडियंस पे। पॉजिटिव इफेक्ट की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में जब भारत आजाद हुआ, वो बेसिक सी पॉलिसी थी, चल रही थी चीज़ें, बड़ी समस्या नहीं थी। 1980s जब आने लगा, ये सारे एक्ट बन गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्व फॉरेस्ट राइट हो गया, इसके अलावा जो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, ठीक है, ये सारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये सारे जब एक्ट आए तो तब हमें एक सशक्त पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी और भारत में पहली सबसे सशक्त एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट पॉलिसी बनी 1988 की, जिसे बोलते हैं बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया। 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, क्लियर है बच्चों, याद रखनी है। और इस फॉरेस्ट पॉलिसी में पहली बार टारगेट रखा गया, और रखा गया टारगेट कि जितनी हमारे पास ज़मीन है भारत में, उस ज़मीन की 33% क्षेत्र पर, यानी कि 1/3 क्षेत्र पर हमें फॉरेस्ट कवर करना है, यानी कि जंगल ही जंगल उसमें रखने हैं, इतने जंगल हमें बढ़ाने हैं। कोशिश हमारी ये रही, खैर आज 40-45 साल हो गए हैं और आज तक भी हम इसे अचीव नहीं कर पाए, ठीक है ना। हम हमेशा टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इस पॉलिसीज़ के तहत ही हर 2 साल में एक फॉरेस्ट सर्वे होता है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट निकालती है, एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट, या जिसे फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी कहते हैं। वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, जिसका मुख्यालय इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून निकालता है फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में। उसमें देखा जाता है कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए, किस राज्य में बढ़े, किस राज्य में कम हुए, मैनग्रोव्स वगैरह सब देखा जाता है। तो ये रिपोर्ट लेटेस्ट आई है 2019 की, 2017 की पुरानी हो गई है बच्चों, 2019 की आई है। इस रिपोर्ट को मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसमें टोटल बता दूंगा, इसकी पीडीएफ बाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ, जो नई फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर अभी 24.56% है, 24.5% लैंड पे, ज़मीन पे फॉरेस्ट कवर है। टारगेट कितना रखा था 1988 में, 33% होना, जो अचीव नहीं हो रहा, और जैसे यहाँ पोल्यूशन चल रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे तो अचीव होना बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक। इसमें मैं इंपॉर्टेंट इफेक्ट बता देता हूँ, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में, कितना परसेंट है, लगभग 85%। और अगर नंबर ऑफ फॉरेस्ट देखा जाए, एरिया कवर करता हो, तो मध्य प्रदेश बैठता है बच्चों। ये 2 फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये मैंने आपको बता दिया पढ़ाई से संबंधित बातें, इस फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, बता दूंगा आपको। उसमें कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अप्रिशिएट हो रहा हूँ उससे, और अप्रिशिएशन से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, ताकि इससे मैं अपने बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोज़ बना रहा हूँ, और डेडिकेशन से आपको, मतलब, और उन लोगों के लिए है जिनके पास संसाधनों की कमी है। मेरे भाई, मेरे दोस्त जो है, एक अपने अंदर एक इच्छा रखते हैं कुछ करने की, और एक सपने लेके काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से और जंगलों के क्षेत्र में जो रह रहे हैं, आज मोबाइल सब पे है, उन तक मैं पहुंच पाऊँ, उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे किसी चीज़ की ऐसी बहुत ज़्यादा लालसा नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ और इस तरह का, नहीं, बस अपने अंदर एक स्किल है, रेगुलर मैंने ये पढ़ाया इतने साल तक, आज जॉब में हूँ, लेकिन मैं उस काम को छोड़ना नहीं चाहता, खासतौर से एजुकेशन का एक्सप्लोर होना चाहिए। तो बच्चों इसीलिए हम एक कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं अपना, पूरा कोर्स हम डेवलप करेंगे, खासतौर से पुलिस फोर्स के लिए, पुलिस फोर्स का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस भी आपको देते रहेंगे। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चे, जो आपकी इच्छा है, कुछ भी एस्पिरेंट्स, आप जो चाहो पूछ सकते हो, एंड उसमें आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक भी डाल देता हूँ कि टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसमें ऐड हो सकते हैं आप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, क्यों, बिकॉज ऑल टाइम में ये नहीं होता कि मोबाइल ही मेरे हाथ में रहे एंड आई एम यूजिंग टू मच मोबाइल, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो जब टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ, यूट्यूब वगैरह देख लेता हूँ, उनके बारे में क्या चल रहा देख लेता हूँ, बट एज फार एज आई रिसीव मैसेज ऑन व्हाट्सएप आई विल रिप्लाई इमिडिएटली, कोशिश ये रहेगी इमिडिएटली रहे, ठीक है। तो और टेलीग्राम इज़ द बेस्ट, आप खुद ही से जा सकते हो, अपनी विश से आ सकते हो, अपनी विश से कर सकते हो उसमें टेलीग्राम पे। बहुत जल्दी हम कोर्स लेके आने वाले हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं मेरे साथ और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया है, उस पर हम ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका अप्रिसिएशन रहेगा तो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा,
ठीक है, आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो माध्यम मैंने लिंक बता रखे हैं उसमें आप बता सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतने रखेंगे। ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, मूल विधि के लिए बेसिकली, मूल विधि के लिए स्पेशली, उसमें थोड़ा डीप से मैंने पढ़ाया, लेकिन इतना आपने कर लिया तो बच्चों आपके लिए वो भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन फंस जाएगा इससे। इसके अलावा एनवायरनमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और ये सब मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ कन्वेक्शंस है, जैसे रियो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, पेरिस पैक्ट क्या है, पेरिस एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा। रेमन मिशन और ये सब ये बाद में आपको बता दूंगा, 15-20 मिनट की वीडियो में सब करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड लेट कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।